जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला जो सितंबर 2023 का यह महीना है, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर और सटीक से महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप सितंबर 2023 के महीने को आनंददायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का यह महीना कैसा रहेगा। तो आज का जो यह राशिफल होगा यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सितंबर का जो महीना है यह बहुत ही शुभ होने वाला है, आनंददायी आपके लिए यह महीना होने वाला है। इस महीने जो है यदि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं, अपने समय का और ऊर्जा का प्रबंधन सही ढंग से अगर आप करते हैं तो आपको जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। हर क्षेत्र में जो है कन्या राशि वाले जातकों को सफलता मिलते हुए दिख रही है। इसलिए कन्या राशि के जातकों को इस महीने जो है अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करना है, यानी कि कार्य को जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य को परिश्रम से आपको करना है, ताकि आपको जो है सफलता इस महीने मिल सके। सितंबर महीने की शुरुआत में जो है आप जो है जिन काम अथवा जिन सौदों के में जो है जोखिम उठाएंगे, जिस भी काम में या जो भी आप सौदे करेंगे उसमें जो भी जोखिम आप उठाएंगे तो उस जोखिम में जो है आपको लाभ की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। जो भी आप काम करेंगे उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि ऐसा करते समय जो है विशेषज्ञ या आपके जो शुभचिंतक हैं, अपने परिवारिक जन हैं, उनसे आपको उचित सलाह जरूर लेनी है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने परिवारिक जनों की, अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी है और तब ही कोई भी काम करें तो पहले सलाह लेने के बाद ही आपको काम करना है। इस दौरान आपके पास जो है करियर कारोबार को आगे बढ़ाने में जो है करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के कई अवसर आपको मिलेंगे, कई मौके जो है आपको आपके पास आएंगे। तो आपको जो है उन अवसरों का फायदा उठाना है और उन अवसरों का भरपूर जो है फायदा उठाते हुए आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो आपको जो भी अवसर इस सितंबर के महीने में मिले तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है और उन अवसरों का आपको फायदा उठाना है। जो आपके इष्ट मित्र हैं, तो आपके जो मित्र हैं इष्ट मित्रों की मदद से जो है लंबे समय से जो अटके हुए आपके कार्य हैं, लंबे समय से जो आपके कार्य कहीं अटके हुए थे, तो अपने इष्ट मित्रों की मदद से जो है आपके जो अपने इष्ट मित्रों की मदद से उस कार्य को जो है पूर्ण करने में भी इस सितंबर के महीने जो है सफल होंगे। यह समय जो है विदेश से जुड़े कारोबार या फिर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं या विदेश में जुड़े हुए कारोबार के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको जो है बेहद शुभ यह महीना आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। जो भी प्रयास आप करेंगे उन प्रयासों में आपको इस सितंबर 2023 के महीने सफलता मिलते हुए दिख रही है। और सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में जो है कन्या राशि के जातक जो हैं आपकी रुचि जो है धर्म कर्म में ज्यादा लगती हुई दिख रही है। और आय की दृष्टि से अगर बात करें तो आय की दृष्टि से भी यह सितंबर का जो महीना है, यह महीना या अगस्त महीने का दूसरा सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। हालांकि पैसा जो है जितनी तेजी से आपके पास आएगा, जितनी तेजी से आप पैसा कमाएंगे उतनी ही तेजी से जो है सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों के लिए आप खर्च भी करते हुए दिख रहे हैं। तो पैसा जितना तेजी से आएगा उतनी तेजी से आप उसे खर्च भी करेंगे अपनी सुख सुविधा के लिए। इस दौरान जो है आप जो है लग्जरी जीवन व्यतीत करेंगे और इष्ट मित्रों के साथ खूब मौज मस्ती भी कन्या राशि के जातक करेंगे। सितंबर महीने के मध्य में जो है कन्या राशि के जातकों को आपको किसी कार्य विशेष के लिए जो है कोई विशेष कार्य के लिए आपको सितंबर महीने के मध्य भाग में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। और इस दौरान की जाने वाली जो आपकी यात्राएं होंगी वह यात्राएं भी आपकी जो है सुखद होंगी और संपर्कों को बढ़ाने वाली यात्रा आपकी होंगी।
बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े जो लोग हैं कन्या राशि के जातक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े लोगों को जो है इस दौरान विशेष सफलता और लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष आपको सफलता मिलेगी, अच्छा लाभ के योग आपके लिए इस समय दिख रहे हैं। सितंबर का जो उत्तरार्ध भाग होगा यानी कि सितंबर महीने का जो अंतिम हिस्सा होगा, तो उत्तरार्ध भाग में जो है आपको करियर और कारोबार में थोड़ी बहुत मंदी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी मंदी जो है आपके करियर और कारोबार में आ सकती है। हालांकि यह जो है बहुत थोड़े समय तक ही रहेगा, यह जो मंदी रहेगी बहुत थोड़े समय तक रहेगी, उसके बाद वह मंदी भी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह जो सितंबर 2023 का महीना है यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिख रहा है। प्रेम संबंध इस महीने जो है आपके मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बनता हुआ दिख रहा है और वैवाहिक जीवन जो है कन्या राशि के जातकों का इस सितंबर 2023 के अनुसार वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा, आनंदमय बना रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए इस सितंबर 2023 के महीने को और भी आनंददायी, लाभदायी, सुखदायी बनाने के लिए आपको उपाय क्या करना है। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, उपाय के तौर पे जो है पूरे सितंबर के महीने आपको जो है गणपति जी की पूजा करनी है, भगवान विघ्नों के हर्ता गणेश जी का पूजन करना है और गणेश जी को आपको दुर्वा समर्पित करनी है और गणपति अथर्व शीर्ष का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस सितंबर के महीने को आनंददायी बना पाएंगे। तो यह जो छोटे से सटीक से उपाय है इन उपाय को आपको जरूर करना है ताकि आप इस महीने को आनंददायी बना सकें। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इस मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।